गली बॉय के रणवीर रैपर संग इन चार रैपर्स की ये हैं पत्नियां। खूबसूरती में किसी हीरोइन से कम नहीं, बॉलीवुड में बहुत कम समय में सुपरहिट होने वाले अभिनेता रणवीर सिंह जल्द ही स्टारडम हासिल कर लेंगे। जिस हिसाब से वे लगातार हिट फिल्में दे रहे हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है रणवीर फिल्म जगत के तीनों खानों पर आगे भी भारी पड़ते रहेंगे। सिम्बा की कामयाबी के बाद अब वे अपनी अगली फिल्म गली बॉय में एक रैपर की भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में बात करेंगे उन चार रियल रैपर्स की जिनकी पत्नियां खूबसूरती में किसी अभिनेत्री से कम नहीं हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे सुपरहिट रैपर रफ्तार की। बता दें कि रफ्तार का असली नाम दिल्ली नायर है और वे एक मलयाली हैं। उन्होंने कोमल नाम की लड़की से साल 2016 में शादी की है जो कि दिल्ली की रहने वाली है। अगर बाबा सहगल को पहला पॉप सिंगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बाबा के गानों का अंदाज अलग ही हुआ करता था। उन्होंने अंजू से शादी की और उनको एक बेटा भी है, लेकिन आशिमा कालरा संग रिलेशन में आने के बाद बाबा अंजू से अलग हो गए। अब वे आशिमा के साथ रह रहे हैं। यो योहनी सिंह, इस लाइन से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन इस लाइन के पीछे की हकीकत बहुत कम लोगों को पता है। बता दें कि हनी ने साल 2011 में अपनी स्कूलमेट शालिनी सिंह से शादी की। दोनों दिल्ली के गुरु नानक स्कूल में पढ़ते थे। हनी सिंह ने बताया कि इंग्लैंड में अंग्रेजी शब्द वर को यो बोला जाता है, इसलिए वह अपनी पत्नी से यो यो हनी सिंह कहते कहते इसे बतौर रैप इस्तेमाल करने लगे। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जी हां, बादशाह का असली नाम यही है। उन्होंने जेसमीन से शादी की। बता दें कि बादशाह अगर रैपर नहीं बन पाते तो वे आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करते।